देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। बांदा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक कोबरा सांप ने 13 साल के किशोर को काट लिया, जिसके बाद किशोर उस सांप को पकड़कर सीधे अस्पताल ले पहुंचा। अस्पताल में उसने डॉक्टर को बताया कि इसी सांप ने मुझे काटा है। सांप को देखते ही डॉक्टर के होश उड़ गए। फिलहाल किशोर का इलाज चल रहा है। पूरा मामला बांदा के मधौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आलमखोर गाँव का बताया जा रहा है। एक योगेंद्र 13 साल का जो बच्चा लाया गया हमारे पास में, स्नेक बाइट का केस है। ये मटौन की तरफ का है एरिया का, इसको भर्ती करके उपचार किया गया है। एक सांप साथ में लाया हुआ था। बताएं कि सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जालंधरी सराय शेखपुर रोड पर सड़क किनारे खड़ी अलमारी में लदे रिक्शा में पीछे से डायल 112 पुलिस की गाड़ी ने टक्कर मारी, जिसमें रिक्शा और अलमारी क्षतिग्रस्त हो गई। वही डायल 112 पुलिस की बलेरो गाड़ी टक्कर मारने के बाद फरार हो गई। बताया जा रहा है कि घटना 19 दिसंबर की है। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला कोतवाली गरौट अंतर्गत ग्राम दुरखुर का है, जहां जहरीला पदार्थ का सेवन कर एक महिला की मौत हो गई। वहीं मायके पक्ष के लोगों ने ससुरालजनों पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया। चमेली, जिसकी उम्र 30 वर्ष है, और पत्नी कमलेश अहिरवार निवासी ग्राम दुरखुर कोतवाली गरौट थे। सोमवार को किसी कारण जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया। परिजन द्वारा महिला को इलाज के लिए झांसी ले जाया गया, जहां मंगलवार की सुबह इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। झांसी में पोस्टमार्टम के बाद महिला के शव को ग्राम दुरखुर लाया गया। इसी दौरान ग्राम रतवास टीकमगढ़ मध्य प्रदेश निवासी मृतका के परिजनों ने गरौट पेट्रोल पंप के पास मृतका के शव को रोक लिया और ससुरालजनों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। बहराइच में समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर समाजवादी पार्टी की महिला सभा जिलाध्यक्ष मनु देवी की अध्यक्षता महिला सभा की मासिक बैठक आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सपा जिलाध्यक्ष रामहर्ष यादव मौजूद रहे। कार्यक्रम के संचालिका सुमन शर्मा रही। संबंध में जानकारी देते हुए समाजवादी पार्टी महिला सभा की जिला अध्यक्ष मनु देवी ने कहा कि संगठन की मजबूती को लेकर प्रत्येक महासभा कार्यालय पर महिला सभा की मासिक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ मीटिंग करके बूथ स्तर तक समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की कवायद छेड़ी गई है। 2024 में महिलाएं बूथ स्तर तक सपा की विचारधारा लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेगी और बहराइच सीट जीतकर जीत की माला सपा प्रमुख अखिलेश यादव के गले में डालने का काम करेगी। इस कार्यक्रम के दौरान जिलाध्यक्ष रामहर्ष यादव, महिला जिलाध्यक्ष मनु देवी, नगर अध्यक्ष सुमन शर्मा, उपाध्यक्ष शकील मकरानी, पूर्व विधायक अग्नि चौहान, पूर्व विधायक रमेश गौतम, जिला महासचिव रसूख शाह, जिला उपाध्यक्ष सुनहरा, तमाम लोग मौजूद रहे। बहराइच स्थित अस्पताल चौराहे के पास एक दुकान का ताला तोड़कर बीते दिन सीटी स्कैन मशीन पिकअप कर लाद कर दबंग फरार हो गए। पीड़ित का कहना है कि पुलिस भी मौके पर मौजूद होकर दबंगों का साथ देती रही। पीड़ित ने इसका वीडियो और तहरीर कोतवाली में दी है, लेकिन अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ है। कोतवाली देहात के मोहल्ला रायपुर राजा सिविल लाइन निवासी किरण सिंह, पत्नी धीरेन्द्र सिंह का सीटी स्कैन अस्पताल चौराहे पर सरकार डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से संचालित है। कोतवाली देहात में तहरीर देकर महिला का कहना है कि प्रसाद सिंह के मकान में संचालित है। पीड़ित महिला का कहना है कि बीते दिनों की रविवार रात करीब 11:30 बजे क्रेन मशीन लेकर एमपी सिंह पुत्र अयोध्या प्रसाद अपने 3 अन्य सहयोगियों के साथ पहुंचे। इसके बाद क्रेन से सीटी स्कैन मशीन को उठवाकर पिकअप वाहन में लदवाने लगे। तभी अस्पताल से घर जाते समय महिला का भाई कमल किशोर सिंह निकला। उसने पुलिस को घटना की सूचना दी। पीआरबी पुलिस मौके पर पहुंचे। इसके बाद भी दबंग मशीन लेकर कानून को पूरे मोहल्ले में लेकर चले गए। मालूम हो कि मशीन का संचालन साझे में होता है, लेकिन एक साझेदारी को पहले एमपी सिंह ने जेल भिजवा दिया था। इसके बाद मशीन अपने यहां उठाकर लेकर आ गए थे। हरिद्वार के सिरगुर थाना क्षेत्र में मंगलवार की सुबह मोबाइल की दुकान में हुई लाखों की चोरी के बाद एसएसपी हरिद्वार ने कई टीमें गठित कर दी। पूरी घटना को लेकर पुलिस टीम में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। बाहर से आए संदिग्ध लोगों के ऊपर नजर भी रखे हुए है। इसी के साथ पुलिस पुराने अपराधियों का इतिहास खंगालने में लगी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर उच्च स्तरीय गठित टीम की गई है। मामले में 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। हालांकि हरिद्वार एसएसपी प्रवीण सिंह डुबाल ने पीड़ित को मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने का आश्वासन दिया है। बिल्कुल, क्षेत्र में एक घटना संज्ञान में आई है, जिसमें काफ़ी मोबाइल फोन भी गए हैं और कुछ कैश भी गया है। पुलिस ने इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया है और इसमें हमारी जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं। जल्दी इस घटना का हम लोग अनावरण भी करेंगे। इसमें हम लोग सीसीटीवी कैमरे भी लगातार चेक कर रहे हैं, उसके लिए अलग टीम है। बाकी और जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जो पुराने अभियुक्त छूटे हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। फरुखाबाद में बुधवार को निर्वाचन कार्यालय में संदिग्ध हालत में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन भीतर जाने का रास्ता सुरक्षित न होने पर निर्वाचन कार्यालय की दीवार को तोड़ा गया। आग से लगभग 11 ईवीएम जलने की जानकारी मिली है। फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट स्थित निर्वाचन कार्यालय की पहली मंजिल में ईवीएम रखी हुई थी, जिसमें बुधवार सुबह अचानक आग लग गई। आग लगने से उसका धुआं भवन की खिड़कियों से बाहर आया तो लोगों को इसकी जानकारी हुई,
जिसके बाद मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल लोकसभा चुनाव सर पर है, निर्वाचन कार्यालय से ही चुनाव के कार्यक्रम संपन्न होते हैं। समय निर्वाचन कार्यालय में आग लगने की घटना ने सबको सख्ते में डाल दिया है। 8:37 पे सूचना मिली थी कि यहाँ पे जिला निर्वाचन कार्यालय है, इसके नीचे फ्लोर में स्पेयर ATM की मशीनें रखी गई थी। आग लगता कि थोड़ा पहले से लगी थी, तो वो हम लोग आए तो पूरा धुआं भरा हुआ था। मैं अपनी गाड़ियों को दो गाड़ी यहाँ से, एक गाड़ी अमृतपुर बुला करके चारों तरफ से उसको घेर करके आग को बुझा दिया। बाराबंकी जिले के जैदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोथरी गांव स्थित रजवाहा अचानक कट जाने से सैकड़ों बीघा गेहूं सरसों की फसल जलमग्न हो गई है। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि रजवाहा की साफ सफाई न होने की वजह से बीते शाम को ही रजवाहा में पानी छोड़ा गया था। इसके बाद क्षेत्र में लवकुश गोविंद, राम प्रताप, जलालुद्दीन सहित दर्जनों किसानों की सरसों, आलू, गेहूं की फसल जलमग्न हो गई। रजवाहा कटने की सूचना के बाद भी नहर विभाग द्वारा बांध नहीं बनाया गया। सिरफरी युवक ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर खुदकुशी की कोशिश की। युवक विक्रम सिंह BJP का पदाधिकारी है। तहसील में अफरा तफरी का माहौल है, भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा। SDM करहल गोपाल शर्मा पर युवक दबाव बना रहा था। जनसेवा केंद्र का संचालन करता है युवक, जनहित के नाम पर राजस्व के अनुचित कार्य कराने के लिए दबाव बना रहा था। तत्कालीन SDM रतन वर्मा भी युवक के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। तहसील करहल के इखीरा निवासी है विक्रम सिंह। बिसौली कोतवाली क्षेत्र के रतनपुर कोठी गांव के पास एक व्यक्ति का खेत में शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पूरा मामला जनपद बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र के रतनपुर कोठी गांव के पास का है, जहां शाहसराह गांव के रहने वाले ननु पुत्र श्रीराम पशुओं का व्यापार करते थे। वही बीते कल वो बाजार जाने के लिए घर से निकले थे, वहीं आज रतनपुर कोठी गांव के पास उसका शव पड़ा मिला। जनपद बदायूं के थाना बिसौली के अंतर्गत सहावर शाह गाँव है। इस गांव के पास इसी गांव के निवासी 50 वर्षीय नानू राम की डेड बॉडी आज एक खेत में, गेहूं के खेत में पाई गई है। इस घटनास्थल के निरीक्षण से ऐसा लग रहा है किसी नुकुली धारदार चीज से इनकी हत्या की गई है। इस संदर्भ में इन्होंने 3 लोगों के साथ बैठकर शराब पी थी है, इनको हिरासत में लिया गया है और परिजनों से पूछताछ कर बातचीत कर तहरीर लेकर के हत्या का भी पंजीकृत करके जो लोग इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जहरीला पदार्थ खा लिया। परेशान महिला पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाने गई थी। दहेज उत्पीड़न और शारीरिक शोषण से परेशान महिला ने जहर खा लिया। महिला के ऊपर उसके ससुरालजनों ने केस दर्ज करवाया था। केस दर्ज होने से महिला क्षुब्ध थी, परेशान थी। पुलिसकर्मियों की सूझबूझ से महिला की जान बच सकी है। संयुक्त जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार महिला खतरे से बाहर है। नगर कोतवाली के बलुआ चौकी की रहने वाली महिला बताई जा रही है। प्राइवेट विद्यालय संचालन खटारा वाहनों को चलाकर छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। छात्र धक्का लगाते नजर आए हैं। स्कूली वाहन कुछ स्कूलों में लगे सालों पुराने हो चुके कबाड़ वाहनों में सफर कर रहे बच्चे महफूज नहीं हैं। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। कुछ वाहन तो बच्चों के धक्कों से चलते हैं। इस ओर ना तो विद्यालय प्रबंधन ने ही और ना ही परिजन कोई ध्यान दे रहे हैं। निजी स्कूलों की मनमानी फीस का भुगतान हो रहा है। हर महीने किसी न किसी कार्यक्रम के नाम पर रुपयों की मांग होती है। अत्याधुनिक सुविधाओं का दावा करने वाले अधिकतर शिक्षण संस्थाओं का बुरा हाल है। ये बच्चों की सुरक्षा का दावा तो करते हैं, मगर बच्चों को घर से लाने ले जाने के लिए जिन वाहनों को विद्यालय में लगाया गया है उसके बारे में शायद इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। झांसी कुजराव नेशनल हाईवे पर एक ओमनी कार खराब हो जाने से कार में सवार बच्चे स्कूली वाहन को धक्का मारते नजर आए हैं। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डगरवा में एक ढाबे पर खाना खाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों गांव से अपने अपने साथियों को ढाबे पर बुलाकर ले आए। मारपीट में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के जिला पंचायत के क्षेत्रीय सदस्य की बाइक में आग लगा दी और उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों पक्षों के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। झांसी के ग्राम डगरवा निवासी संतोष यादव क्षेत्रीय पंचायत सदस्य है। वो अपने गाँव के नजदीक ढाबे पर खाना खा रहे थे, तभी ये पूरी घटना हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। लतपुर के PW लोक निर्माण खंड की बड़ी लापरवाही सामने आई। करोड़ों लाखों रुपए से डाले जा रहे घटिया डामर रोड नाराहाट जमीनी रोड का एक पूरा मामला है। घटिया कार्य योगी सरकार को बदनाम करने में PW विभाग और ठेकेदार लगे हुए हैं। लोक निर्माण खंड विभाग के अधिशासी अभियंता घटिया निर्माण पर चुप्पी साधे हुए। अधिशासी अभियंता की चुप्पी ठेकेदारों को भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। आपको बता दें कि नाराहाट जामनी सड़क का घटिया कार्य सामने आने पर क्षेत्र लोगों में आक्रोश है। पूरा मामला नाराहाट जामनी सड़क निर्माण का है। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चे के प्रतिनिधि मंडल भानु सहाय और राजेंद्र शर्मा ने जिलाधिकारी से भेंट कर रामचंद्र राव के समाधि स्थल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 1803 में मराठों और अंग्रेजों में बेसिन की संधि हुई, जिसमें मराठों ने बुंदेलखंड में अपना हिस्सा अंग्रेजों में हस्तांतरित कर दिया। उस समय के सूबेदार शिवराव भाऊ थे।
ऐसी परिस्थिति में शिवराव को सत्ता के अतिरिक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का भी सत्ता की सर्वोच्चता को स्वीकार करना था। 1815 में इनकी मृत्यु हो गई। उनका उत्तराधिकारी उनका पौत्र रामचंद्र राव हुए, जिसके बदली हुई परिस्थितियों में अंग्रेजों से एक संधि को लेकर अनुसार रामचंद्र राव के उत्तराधिकारियों को झांसी का सूबेदार वंशानुगत आधार पर नियुक्त किए जाने व अंग्रेजों ने वचन दिया था। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने जेठ रामचंद्र राव की समाधि का निर्माण पुरानी तहसील के पास कराया था। महारानी के जेठ रामचंद्र राव की समाधि को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नियंत्रण में है, लेकिन संबंधित विभाग द्वारा समाधि की घोर अपेक्षा की जा रही है। यूपी के संतकबीर नगर जिले में विकसित तो भारत संकल्प यात्रा को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हो रहा है। आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मुख्यमंत्री के औचक आगमन को लेकर जिले के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल करौद गांव के पंचायत भवन को जोड़ने वाली सड़क हेलीपैड उनके संबोधन के लिए तैयार मंच स्तर पर तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, एनएक्सी भवन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद नजर आए। 2024 के चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं में हुंकार भरने पहुंचे। मुख्यमंत्री समेत राष्ट्रीय अध्यक्ष संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए नजर आए। गोरखपुर बस्ती मंडल से भारी संख्या में भाजपा के नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। झांसी कुरेश कॉन्फ्रेंस रजिस्टर द्वारा गालिब अकेडमी नई दिल्ली में प्रदेश का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ। कुरेश कॉन्फ्रेंस रजिस्टर द्वारा कारोबार समस्याएं समाधान राष्ट्रीय अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट सनोबर अली कुरैशी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि कुरेश बिरादरी को शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मीट व्यापार पर जिस तरह से प्रतिबंध लगाया रखा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मीट कारोबारियों को लाइसेंस बनाने और उन्हें बेवजह परेशान करने पर संगठन द्वारा हर प्रकार से सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया गया। अधिवेशन के मुख्य रूप से अतिथि सांसद नाना हीरा कुमार सारणिया और तौकीर रजाक खान आईएमसी प्रमुख रहे। सांसद नाना हीरा कुमार सारणिया अपने संबोधन में कुरैश को लेकर बयानबाजी करते हुए भी नजर आए। और इसी के साथ फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।